मॉर्निंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आज के दिन आप ट्रेड कर रहे हैं तो देखेंगे निफ्टी यहाँ पर आपको एक डाउनफॉल दिखा रही है, जबकि देखेंगे पिछली 5 मिनट की कैंडल के किसी भी कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हुआ है। जब भी कहीं किसी कैंडल का हाई क्रॉस होगा तो वहाँ पर अपन एक कॉल इनिशिएट करेंगे और उसी के लो का यहाँ पर एसएल करेंगे। अगर आपको कॉल में ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी कैंडल का पिछला हाई क्रॉस नहीं हुआ है और दोस्तों ना ही यह किसी कैंडल को जो भी पिछला हाई बना हुआ है उस हाई को क्रॉस कर पाया है। तो यहाँ पर कॉल लेने के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पिछले किसी भी हाई को ब्रेक होने देंगे यहाँ पर और एक लेवल के ऊपर अगर ये 500 के आसपास आती हैं तभी यहाँ पर अपन अगर कोई ऐसा सेटअप बनता है तो यहाँ पर अपन इस सेटअप को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। इन बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर है मार्केट। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा कोई ना मूवमेंट कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है मार्केट। देखेंगे इसी रेंज के अंदर यहाँ पर 200 से लेके 400 के बीच में 200 पॉइंट के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करें तो दोस्तों ये एक बेस्ट सेटअप है ट्रेड का। अब दोस्तों ये अपसाइड में निकलेगा या फिर डाउन साइड में निकलेगा तो आपको एक मोमेंटम ज़रूर से देखे जाएगा। तो दोस्तों वो आप नज़र बना के रखें और अपने स्टॉक को देखते रहिए, HDFC को, रिलायंस को, ICICI बैंक को, सारों को देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। वहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तभी आप देख पाएंगे कि किस साइड की मूव आप कैच कर पाओगे, डाउन साइड की या फिर एक अप साइड की मूव आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर नज़र बना के रखें, अगर ये ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर तभी यहाँ पर अपन कोई ट्रेड करेंगे और ये अगर ब्रेकआउट करता है तभी अपन कोई ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। बाकी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।